गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेवंथ। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ हनी स्कल बुक, हनी कॉम बुक। फर्स्ट चैप्टर द थ्री क्वेश्चंस। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर पेज नंबर 8, सेकंड लास्ट पैराग्राफ। यस्टरडे वी रीड दैट कि जो किंग है वो उसको जो है थ्री क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, और वो आंसर जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट पीपल जो है डिफरेंट आइडियाज दे रहे हैं, बट उससे जो है किंग जो है सेटिस्फाइड नहीं होता है, और उसे जो है मतलब अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए और राइट आंसर के लिए फिर कोई सजेस्ट करता है कि ऐसे ऐसे एक हर्मिट रहता है, आप उसके पास जाओ, होप्स हो कि वो आपको जो है कोई जैसे इनके आंसर दे पाए। तो अब जो किंग है वो अपना मतलब सैनिक और घोड़े लेकर जो है वहां पे जाता है और उनको पीछे ही वहीं छोड़ देता है, और वहां से फिर अकेला जो है हर्मिट के पास जाता है। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, वुड मीन्स हेयर फॉरेस्ट, विच ही नेवर लेफ्ट। हर्मिट जो है एक जंगल में रहता है और वो वहां से कहीं नहीं जाता। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, उसने देखा कि वहां पे जो है ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स। उसने देखा कि वहां पे जो है कोई भी नहीं जाता, सिर्फ सिंपल पर्सन ऑर्डिनरी पीपल ही वहां पे जाते हैं। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स। अब वहां जो है हर्मिट के हट तक पहुंचने से पहले राजा ने अपने जो है हॉर्स भी वहीं छोड़ दिया, विद हिज बॉडीगार्ड, और अपने बॉडीगार्ड भी वहीं पीछे छोड़ दिए, एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेला ही जो है हर्मिट की हट में हट के लिए मतलब हर्मिट से मिलने के लिए चलता है, निकल लेता है। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, जैसे ही राजा जो है हर्मिट की हट के पास आता है, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। राजा ने देखा कि वहां पे जो हर्मिट है वो डिगिंग कर रहा है, अपनी कुदाल से जो है ग्राउंड को खोद रहा है। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। उसने जो है ग्रीटेड मीन्स जैसे वेलकम किया, जैसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं वैसे ही किया, और कंटिन्यू डिगिंग और अपनी खुदाई को जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, हर्मिट जो है ओल्ड भी था वीक भी था, एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथड हैविली, और जैसे ही वो जब मतलब इस खोदने का काम कर रहा था तो उसकी जो है जैसे वो डीप ब्रीथ ले रहा था, मतलब सांस चढ़ गई थी उसको। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा जो है हर्मिट के पास जाता है और क्या कहता है, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ वाइज हर्मिट, बुद्धिमान हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर थ्री क्वेश्चंस, मैं आपसे जो है थ्री क्वेश्चंस के आंसर जो है जानने के लिए आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं इसका कैसे पता लगाऊं कि किस कौन सा टाइम जो है कि सही काम करने का जो होता है, कि कौन सा काम सही टाइम पे करना है या कब करना है। जैसे हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और मुझे किन लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है, एंड व्हाट एफर्ट्स अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन से वर्क मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब जो वर्क उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनको राइट टाइम पे, उनका टाइम क्या है, राइट टाइम का है क्या है कि वो उन वर्क को कब करे। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट ने राजा को सुना बट डिडंट स्पीक, और कुछ नहीं बोले। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वह जो है खुदाई करते रहे। यू आर टायर्ड सेड द किंग, आप जो है थक चुके हैं, राजा ने कहा। लेट मी टेक द स्पेड वर्क इन योर प्लेस, मुझे ये आपकी स्पेड मीन्स यहाँ जैसे स्पेड होता है जो कुदाल है जिससे हर्मिट जो है डिगिंग कर रहा है, एंड वर्क इन योर प्लेस, और मैं मुझे जो है ये आपकी कुदाल दो, मैं आपकी जगह जो है काम करूंगा। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने क्या कहा, थैंक्स एंड गिविंग द किंग हिज स्पेड, और राजा को अपनी स्पेड दे दी। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह जो है फिर ग्राउंड पे बैठ जाता है हर्मिट। When the king had dug two beads, जब राजा ने दो जो two beads है यानी
टू जो छोटी छोटी मतलब क्यारियां बनी हुई है उनको खोद लिया, तो ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, तो राजा ने जो है अपना काम रोक दिया और फिर से अपने क्वेश्चन रिपीट किए। द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप, हर्मिट ने फिर भी कोई आंसर नहीं दिया और खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, और अपना जो है अपने हाथ में जो है वो कुदाल उठा ली। नाउ यू रेस्ट, अब तुम रेस्ट करो, एंड लेट मी वर्क, और मुझे अपना काम करने दो। बट द किंग डिडंट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, बट राजा ने जो है उनको स्पेड नहीं दी और फिर से जो है खुदाई करना स्टार्ट कर दिया। वन आवर पास्ट देन अनदर, एक घंटा बीत गया, उसके बाद दूसरा घंटा भी बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, अब जो सन है वो भी जो है सेट होने जा रहा था, मतलब कि ट्रीज के पीछे छुप गया था। एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड, अंत में क्या होता है कि राजा जो है स्पेड को ग्राउंड पे गिरा देता है एंड सेड, आई केम टू यू वाइज मैन, मैं तुम्हारे पास आया था वाइज मैन, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, और अपने क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, अगर तुम मेरे क्वेश्चंस के जो है आंसर नहीं दे सकते टेल मी सो, तो ये मुझे बता दो, आई विल रिटर्न होम, मैं घर वापस चला जाऊंगा। हेयर कम समवन रनिंग, हेयर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट, हर्मिट ने क्या कहा कि यहाँ अभी कोई आया है। नाउ नेक्स्ट कम्प्रिहेंशन, फर्स्टली यू विल ट्राई टू फाइंड आउट क्वेश्चन दीज answers of these questions, why did the king want to know answer of three questions, you will find out from the first paragraph. Messengers were sent throughout the kingdom to fetch wise men, to find answer to the question, to look for the wise hermit, to announce a reward for those who could answer the questions, mark your choice, so you will find out which one is the right option. Now next comprehension, the king turned around and saw a beard man running towards them. Raja ne dekha ki ek beard man, ek dhaadi wala jo hai person jo hai uske piche bhaga hua aa raha hai. His hands were pressed against his stomach, usne apne jo hai stomach ko apne haathon se dabaya hua hai. From which blood was flowing, jahan se jo hai blood beh raha hai. When he reached the king he fainted and fell to the ग्राउंड, हेयर फेंटेड मीन्स बेहोश होना। वेन ही रीच द किंग, जैसे ही वह राजा के पास पहुंचता है तो वह बेहोश हो जाता है, एंड फेल टू द ग्राउंड, और ग्राउंड पे गिर जाता है। द किंग एंड द हर्मिट रिवोर्ड द मैंस क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक, द किंग एंड हर्मिट, अब राजा और जो हर्मिट है दोनों ने उसके जो है कपड़े, उसके बॉडी से कपड़े अलग किए। फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक, और देखा कि उसकी उसके स्टमक में गहरा घाव बना हुआ है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ, अब राजा ने जो है उसको उसका जो वाउंड था उसको साफ किया और उसे अपनी हैंकी से जो है कवर किया। बट द ब्लड वॉज नॉट स्टॉप फ्लोइंग, पर ब्लड अब भी जो है नहीं रुक रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, किंग ने जो है वापिस उसे जो है वो कपड़े पहना दिए, और तब तक मतलब उसकी केयर कर जब तक कि ब्लड जो है रुक नहीं जाता। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, अब जो पर्सन जिसके जो है वाउंड बना हुआ था जो बियर्ड मैन है तो वो जो है अब पहले से कुछ अच्छा बेटर फील कर रहा था। आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और कुछ पीने के लिए उसने मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, तो राजा उसके लिए वाटर लेके आता है और उसे देता है। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, इसी दौरान जो है सन जो है सेट हो जाता है। द एयर वॉज कूल, हवा ठंडी हो जाती है। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वाउंडेड मैन इन टू द हट, अब राजा जो है हर्मिट की हेल्प से उस वाउंडेड बियर्ड मैन को जो है अपनी हट में ले जाते हैं। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसे बेड पे लिटा देते हैं। द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट,
अब जो बियर्ड मैन है जिसके वाउंड बना हुआ था, चोट लगी हुई थी, तो वो जो है अपनी आईज को क्लोज कर लेता है और लेक वाइट और चुपचाप लेट जाता है। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक। अब राजा जो है बहुत थक चुका था एंड द वर्क ही हैड डन, क्योंकि उसने जो है काफी काम भी किया था, ले डाउन ऑन द फ्लोर और वहीं ग्राउंड पे लेट जाता है। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और रात को वहीं जो है नीचे ग्राउंड पे ही लेट जाता है। व्हेन ही वॉक, जैसे ही वह जागता है, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेम्बर। जैसे ही वह जागता है, इट वॉज सेवरल मिनट्स, तो बहुत टाइम लेट हो चुका होता है, बिफोर ही कुड रिमेम्बर, कि उसे कुछ याद आए। व्हेन ही वॉज और हु द स्ट्रेंजर स्ट्रेंज बियर्ड मैन लेइंग ऑन द बेड वॉज, वेहर ही वॉज, वह कहाँ पे है, हु द स्ट्रेंज बियर्ड मैन, और वो जो स्ट्रेंज बियर्ड मैन है वो कौन था जो बेड पे लेटा हुआ था। ओके बेटा, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर इन नेक्स्ट वीडियो।